नमस्ते सलाम सत श्री अकाल आप दोस्तों, मेरा नाम गगन है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक रशिया वर्सेस यूक्रेन नाम की मूवी पर। तो दोस्तों अपने श्रवण यंत्रों को मेरे मुखारविंद की ओर केंद्रित रखें क्योंकि हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस फिल्म को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो फिल्म का नाम है बैटल ऑफ सेवास्टोपोल। दोस्तों ये कहानी रशिया की पहली फीमेल स्नाइपर जिनका नाम ल्यूडमिला है उनकी है, जिसने सिर्फ 2 सालों से अपनी स्नाइपिंग स्किल्स से 309 दुश्मनों को मार गिराया था। लेकिन दुनिया आज तक सिर्फ ल्यूडमिला को उसकी कामयाबी की वजह से जानती है दोस्तों, पर कोई भी ये नहीं जानता है कि उसने ये सब हासिल करने के लिए खुद को कितनी तकलीफों से गुजारा है। तो आज की कहानी में हम उसकी जिंदगी के हर पन्ने को पलटेंगे कि कैसे एक लड़की अमेरिका की यूनिवर्सिटी से निकल के एक फौजी बन गई। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें व्हाइट हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर रेड आर्मी के जवान सोल्जर खड़े होते हैं। दोस्तों ल्यूडमिला फर्स्ट लेडी को बताती है कि वो एक फीमेल स्नाइपर है और उसने 309 दुश्मनों को मार गिराया है। ये सुन के वहाँ खड़े सारे लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर फर्स्ट लेडी भी उससे पूछती है कि तुमने आखिर ये किया कैसे। ल्यूडमिला फ्लैशबैक में जाती है और अपनी जिंदगी का पन्ना वो दोबारा खोल के सबको सुनाने लगती है। अब हम पहुँचते हैं दोस्तों काइट यूनिवर्सिटी 1937 में, जहाँ पर हम ल्यूडमिला को देखते हैं जो कि कॉलेज में है। उसके सारे दोस्तों लूडा लूडा कह के बुलाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो सीन दिखाया जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा है कि कॉलेज में रिजल्ट आया हुआ है, इसमें लूडा फर्स्ट आई है दोस्तों। इस वजह से आज बहुत ही ज्यादा खुश है, थोड़ी नर्वस भी। उसके दोस्त लोग उससे पार्टी मांगते हैं, फिर पार्टी होती है। अगले दिन क्या होता है, वो सब लोग एक शूटिंग रेंज में जाते हैं। वहाँ भी लूडा बहुत ज्यादा तेज होती है। जो तेज होते हैं लोग दोस्तों वो हर मामले में तेज होते हैं। फिर वो लूडा के सारे शॉट्स बुलाइस पे जाके लग रहे थे। जब इस चीज की जानकारी उसके कॉलेज के प्रिंसिपल को लगती है तो वो लूडा का नाम रेड आर्मी में स्नाइपर के तौर पर भेज देते हैं। लूडा भी वहाँ मौजूद होती है और वो बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद उसे आर्मी के एग्जाम के लिए जाना होता है, लेकिन रेड आर्मी में ज्वाइन होने की वजह से उसके डैड कुछ खास खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी आधी लाइफ आर्मी में गुजार दी है और अब वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी की जिंदगी भी वैसी जाए। लेकिन लूडा उन्हें किसी तरह मना लेती है, वो कहती है उसे भी अपने देश की सेवा करनी है। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है बेटा जैसा तुम चाहो। फिर लूडा अपनी तैयारी में लग जाती है। जब वो सारे बच्चे बीच में एंजॉय कर रहे होते हैं तो लूडा के पास एक बोरिस नाम का आदमी आता है जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर होता है। बोरिस को लूडा से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लूडा भी उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद बोरिस उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाता है जिन्हें लूडा बहुत पसंद आती है, और वो लोग उन्हें शाम के शो के 2 टिकट देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिता सके। लेकिन शो शुरू होने से पहले ही खबर आती है कि जर्मनी ने रशिया पर हमला कर दिया है, और ये खबर सुनने के बाद लूडा बोरिस से शादी के लिए मना कर देती है क्योंकि ये जंग का टाइम है और इसमें देश का फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी है। अगर इसने उससे शादी कर ली तो हो सकता है वो दोनों साथ ना रहें और बेचारा अकेला ही रह जाए। इसलिए कहा कि अगर मैं जिंदा वापस आती हूँ तो हम लोग शादी करेंगे। ये क्या कि वहां से चली जाती है। बोरिस उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है एक बार शादी तो लो। लूडा नहीं मानती है और वहां से निकलने के बाद वो सीधा अपनी ट्रेनिंग करने लग जाती है। ये ट्रेनिंग दिखने में बहुत आसान लग रही है दोस्तों, लेकिन है बहुत ही मुश्किल। लूडा हिम्मत नहीं हारती है, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। यहाँ के जो सीनियर होते हैं उनके सभी फैंसी कपड़े, उनके जूते, उनके खिलौने वगैरह सब कुछ उनके सामने चला देते हैं। वो कहते हैं कि अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कठोर बनने की जरूरत है। जंग में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है जीत। तुम्हें इतना कठोर बनना पड़ेगा कि तुम जब तुम्हें ऑर्डर दिया जाए तो तुम शूट कर सको। अब कई दिन की ट्रेनिंग दोस्तों चलती रहती है और फाइनली लूडा की काबिलियत देखकर उसे एक बेहतरीन स्नाइपर का टैग दे दिया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ से लूडा को सीधा वॉरफील्ड में भेज दिया जाता है जहाँ पर जर्मन आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी। लूडा की ये पहली जंग होती है और वो पूरी तरह से तैयार थी अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। उसके सीनियर्स उसे बताते हैं कि तुम एक स्नाइपर हो और तुम्हें सिर्फ उनके कैप्टन को मारना है, जिससे कि उनके सारे सोल्जर्स की हिम्मत टूट जाए और वो ये जंग हार जाए। लूडा काम में लग जाती है, लेकिन इससे पहले वो अपनी बंदूक की पहली गोली चलाए वहां पर जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं और बॉम्ब गिराने शुरू कर देते हैं। और ये सब देख के लूडा बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसने इससे पहले आज तक ये सब नहीं देखा था। खून खराबा उसके आसपास उसके साथ ही मारे जा रहे थे और कुछ तो बहुत ही बुरी तरह से घायल थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है। और इसी बीच एक मशीन टैंक उसकी तरफ लुढ़कते हुए आ रहा था, वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो टैंक आके उसके पास गिर जाता है। पर लूडा किसी तरह से जिंदा बच जाती है और दोबारा से अपनी बंदूक ढूंढने लगती है जिससे वो दुश्मनों को मार सके, और एक एक करके वो काफी दुश्मनों को मार देती है। लेकिन इसी बीच एक गोली उसके बगल में सैनिक को लग जाती है जिसका खून उसकी तरफ भी आता है। लेकिन इस बार लूडा नहीं घबराती थी, वो अपना मन बना चुकी थी कि वो आखिर है कहाँ पे। वो बिल्कुल अडिग खड़ी रहती है और सीधा निशाना जहाँ से गोली चली थी उसी तरफ लगा देती है। उसकी गोली कैप्टन का सीना चीर कर निकल जाती है। उसके बाद वो लोग जंग जीत जाते हैं। दिन खत्म होते होते लूडा पूरी तरह से जान चुकी थी कि असली जंग आखिर होती क्या है। उसने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन साथ में
उसने अपने कई साथियों को खो दिया था। अगले दिन उसकी इस जाबाजी के लिए उसे सम्मानित किया जाता है और उसे एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली स्नाइपर बंदूक दे दी जाती है। दोस्तों कुछ टाइम बीतता है और लूरा की एक कॉलेज की दोस्त भी उसी कैंप में आती है जिसका नाम माशा होता है। वो यहाँ पर नर्स की रिक्रूटमेंट के तौर पर आई थी और दोनों एक दूसरे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों गले मिलने लगते हैं क्योंकि अभी तक लूडा का कोई भी दोस्त यहाँ पर नहीं था, अब से एक साथ ही मिल गया था। अब धीरे धीरे लूडा और कैप्टन में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उसी रात माशा अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्त के साथ वहाँ पर डिनर करने आती है। सारे लोग बहुत इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद माशा और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो आदमी था वो लूडा के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। इसी दौरान वहाँ पे कैप्टन आ जाते हैं जिसके साथ लूडा वो एक आदमी को एक घूंसा मारकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने पर कैप्टन और लूडा एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कि कैप्टन और लूडा दोनों साथ में बहुत खुश हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर अचानक से जर्मन्स का अटैक हो जाता है। कैप्टन तो बच जाते हैं लेकिन लूडा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। इस धमाके का झटका इतना तेज होता है कि वो जमीन के अंदर पूरी तरह से धंस चुकी थी। कैप्टन उसे फौरन बाहर निकालते हैं और जब उसकी आंख खोलते हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। इस पूरे हमले की वजह से लूडा पूरी तरह से सहम चुकी थी और इसके बाद कैप्टन सारे घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर बोरिस को बुलाता है, जिससे कि लूडा की शादी होते होते रह गई थी। दोस्तों और लूडा को घायल देखकर उसे बहुत दुख होता है। सब लोग इतने घायल हो चुके थे कि उन्हें यहाँ पर कैंप में इलाज करना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से उन्हें शिप से सिवास्तोपोल से बाहर ले जाया जाता है। जब शिप में बोरिस लूडा से कुछ बातें करने की कोशिश करने की सोचते हैं, लेकिन तभी वहां पर जर्मन्स हमला कर देते हैं दोस्तों, और वो अपने फाइटर प्लेन से अंधाधुंध गोलीबारी कर देते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे कुछ लोग उस शिप में बैठकर अपनी जान बचा लेते हैं। दोस्तों कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में रहने के बाद लूडा फिर से वापस जंग में जाना चाहती थी क्योंकि उसके देश को उसकी जरूरत है, उस स्नाइपर की जरूरत है। वो अपने सीनियर से इस बारे में बात करती है जिसके जवाब में वो उसे कहते हैं कि तुम्हें परमिशन देंगे कि तुम हेल्दी हो, अगर तुम फिट हो तभी तुम्हें जंग में भेजा जाएगा। अब ये सुनकर लूडा वापस बोरिस के पास आती है उसके सिग्नेचर लेने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है ये कहकर कि तुम अभी फिट नहीं हो। लेकिन लूडा उसकी बात नहीं मानती है। वो बार बार उसे रिक्वेस्ट करती है कि उस पर साइन कर दे, और दोस्तों वो भी लूडा से प्यार करता था इसीलिए उसने मना नहीं कर पाता वो, और वो साइन कर ही देता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद लूडा को अपने कैंप के कुछ साथी मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो लड़ते हुए शहीद हो गए। और ये सुनकर लूडा पूरी तरह से टूट जाती है बेचारी, लेकिन वो अभी हिम्मत नहीं आ रही थी, अपने देश के लिए वो लड़ना चाहती थी। अब उसकी एक नए कैंप में पोस्टिंग होती है, वहां पे उसे नए कैप्टन ल्यूटेन मिलते हैं जो उसी की तरह एक अच्छे स्नाइपर थे। लूडा से कहते हैं कि आप सब एक साथ मिलकर दुश्मनों को मार गिराएंगे। अगले दिन लूडा और कैप्टन एक मिशन पर जाते हैं, अपने सामने एक दुश्मन देखते हैं लेकिन कैप्टन उसे मारने से मना कर देते हैं और वहां से जाने का ऑर्डर देते हैं। लूडा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसने उन्हें जर्मन्स को मारने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया। तो कैप्टन उससे कहते हैं कि वॉर सिर्फ कुछ लोगों की जान लेने के लिए नहीं होता है, कभी कभी हम अपने दिल की भी बात सुननी चाहिए। ये बात लूडा को भी समझ आ जाती है और वो कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दोस्तों हम दोनों मिलकर बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो दोनों अपने देश के लिए डटे रहते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। और कैप्टन के साथ काम करके और उसके साथ समय बिता के लूडा और कैप्टन दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और लूडा को एक बार फिर दोबारा किसी इंसान से प्यार हो जाता है। और ये उसे पता होता है, लेकिन वो अपने दिन की बात कहने से डरती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए जैसा कि पहले कैप्टन के साथ हुआ था। लेकिन क्रिसमस पार्टी में कुछ लोग लूडा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद कैप्टन उन लोगों को एक घूंसा मार के गिरा देते हैं और लूडा को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। वो भी उसे खुशी खुशी अपसेट कर लेती है। एक बार फिर से दोबारा वो अपने काम में लग जाते हैं। लूडा को बहुत खुशी थी क्योंकि जैसी वो जिंदगी चाहती थी वैसी जिंदगी जी रही थी। कैप्टन उसके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये जंग है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और लूडा की दोस्त माशा उससे और कैप्टन को एक दिन खंडर जैसी जगह पर बुलाती है। वो उनको बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड बस शादी करने वाले थे लेकिन कल जंग में वो शहीद हो गया। और ये कह के माशा बहुत रोने लगती है, वो अपना आपा खो देती है। लूडा उसे बहुत समझाती है लेकिन वो उसकी बातों को नहीं समझ पाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लूडा कैप्टन से कहती है कि उसे अब एक बच्चा चाहिए, क्योंकि अभी बात लूडा को भी समझ में आ गई थी कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लूडा उसे कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन जब वो कैप्टन की चुप्पी को देखती है तो उसे जवाब मिल जाता है, जिसके बाद वो वहां से कुछ भी बोले बिना निकल जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी पर्सनल चीजों को भूलकर जंग के लिए निकल जाते हैं। अब मिशन के लिए वो एक मैदान में जाते हैं। वो इस बात से अनजान होते हैं कि इस जगह पर लैंडमाइंस बिछाए गए, तो अभी लूडा का पैर एक लैंडमाइन पर लग जाता है और वो चल जाती है, जिसके बाद यहाँ पर धमाके होने लगते हैं और ये भागने की कोशिश करते हैं। सारे लैंडमाइन फट जाते हैं
और दोनों अपनी जान बचाने के लिए आगे भाग रहे हैं, लेकिन तभी एक माइन लूना के पास पड़ता है और कैप्टन उस पर कूद कर उसकी जान बचा लेते हैं। इस हादसे में कैप्टन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और लूना उन्हें कंधे पर उठाकर कैंप तक ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो कैंप के पास पहुंचती है वो खुद बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बार फिर से एक हॉस्पिटल में पाती है और एक बार फिर उसका इलाज डॉक्टर बोरिस कर रहे थे। आंख खुलते ही लूना सबसे पहले से कैप्टन के बारे में पूछती है और बोरिस उसे बताते हैं कि कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहे। और दोस्तों ये सुनकर उसके अंदर जो हिम्मत बची थी वो भी खत्म हो जाती है, पूरी तरह से वो बिखर चुकी थी। और जिस बात का डर उसे हमेशा से था आखिर में वही हुआ, इस छोटी सी उम्र में उसने दो बार अपने प्यार को खो दिया। वो हिम्मत हार जाती है और सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लेती है। इसी बीच कैंप में रशियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स आते हैं जिसमें एक सीनियर बोरिस को कहता है कि हमें लूना की फोटो लेनी है क्योंकि जर्मन्स को लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन हमें उन्हें बताना है कि वो अभी भी जिंदा है क्योंकि अब वो हमारे लिए कभी ना हार मानने वाली एक सिंबल बन चुकी है। उसकी फोटो देखकर हमारी आर्मी मोटिवेट होगी। बोरिस उन्हें फोटो लेने से मना कर देता है क्योंकि लूना की हालत अभी ठीक नहीं थी, लेकिन वो उसे धमकाते हैं और जबरदस्ती लूना को यूनिफॉर्म पहना कर उसकी एक फोटो क्लिक करते हैं। वो उसे स्माइल करने के लिए कहते हैं, लेकिन लूना स्माइल तो करती है और उसकी स्माइल से ज्यादा उसके आंसू निकल रहे होते। दोस्तों ये सीन आपको जरूर रुला देगा क्योंकि इसमें लूना का पूरा जिंदगी का दर्द बयां हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज इसे लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे वीडियोस देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब होने के बाद जब लूना बाहर आती है तो उसकी आंखों के सामने कैप्टन की बॉडी को ले जाया जा रहा था और ये मंजर देखकर लूना के अंदर से जान ही निकल जाती है। उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी दोस्तों। अब वो ठान लेती है कि वो आज के बाद कभी भी बंदूक नहीं उठाएगी, लेकिन उसे फिर से एक बार जंग में जाने के लिए कहा जाता है। उन्हें कहती है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है, किसी भी जंग में नहीं जा सकती वो। लेकिन उसके सीनियर उसे कैप्टन का वास्ता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जर्मन का सिर्फ एक स्नाइपर मारना है जिसके बाद हम एरिया को पूरा खतरे से कब्जा लेंगे। अगर तुम चाहते हो कि कैप्टन ऊपर जाकर खुश रहे तो तुम उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। उनका सपना था कि वो उस एरिया में रशियन फ्लैग को लहरा सके और लूना कैप्टन के सपने के लिए हाँ कर देती है और मिशन पर चली जाती है, जहाँ पर वो एक पोजीशन लेकर लेट जाती है। पूरी रात इंतजार करती रहती है। अगला दिन भी आता है लेकिन वो जर्मन स्नाइपर अपने बंकर से बाहर ही नहीं आता। अब लूना के अंदर हिम्मत नहीं बची थी, हिम्मत घटने लगी थी। अब वो और वेट नहीं कर सकती थी, जो चोटें उसे लगी थी उसमें से खून आना शुरू हो गया था। वो हार कर खुद बाहर आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर दुश्मन देख लेता है, तुरंत ही उस पर गोली चला देता है। ये गोली लूना के हाथ पर लगती है और उसी पर लूना भी उसे गोली मारती है और उसकी गोली जर्मन स्नाइपर के सीने के आस पास हो जाती है, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब वो उसकी लाश के पास जाती है तो उसके पास उसकी फैमिली की फोटो मिलती है दोस्तों, जिसे देख कर लूना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी हमें पता है क्या सिखाता है कि चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है दोस्तों। अब सीन शिफ्ट होता है कि सेवास्तोपोल को पूरी तरह एवैक्यूएट कराया जा रहा है क्योंकि दुश्मन किसी भी पल यहाँ पर हमला कर सकते हैं, गोलीबारी मार सकते हैं, जिससे आम लोगों की मौत हो सकती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप में बैठने के लिए भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर बोरिस रशियन आर्मी के सीनियर के पास जाते हैं, उसके हेड के पास, और उन्हें लूना के लिए एक स्पेशल पास देने के लिए कहते हैं जिससे लूना जहाँ से निकल सके, लेकिन सीनियर उसे पास देने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद बोरिस वहां से सीधा लूना के पास आता है और उसे सबमरीन में बिठा देता है। लेकिन जब लूना को पता चलता है कि डॉक्टर बोरिस ने उसे अपना पास देकर उसकी जान बचाई है तो वो चिल्लाने लगती है और सबमरीन में बैठने से मना कर देती है, लेकिन बोरिस उसे जबरदस्ती उस जहाज में बिठा देते हैं और कहते हैं कि वो उसे जरूर मिलने आएंगे, उसका इंतजार करें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जर्मन प्लेन वहां हमला करना शुरू कर देते हैं और उसमें बमबारी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बोरिस, उसकी दोस्त और माशा और लाखों लोग जो कि बेगुनाह थे, सब लोग मारे जाते दोस्तों। इसके बाद लूना के मन की आवाज हम सुनते हैं जिसमें वो कहती है कि बोरिस और वो लाखों लोग जो मर गए वो असली हीरो थे। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है दोस्तों। लूना को सोवियत यूनियन की तरफ से सबसे हाईएस्ट रैंक का मेडल दिया जाता है और साथ में उसे एक एडवर्टीजमेंट के टूर पर सोवियत यूनियन अपनी पार्टी में शामिल भी कर लेती है ताकि वो उनकी पार्टी के लिए पूरी दुनिया से फंडिंग इकट्ठा कर सके। इसी दौरान लूना की मुलाकात अमेरिका की फर्स्ट लेडी से होती है जो उसकी इस जाबाजी की काफी बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रही थी और साथ में उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। कहानी के आखिर में 1947 मॉस्को शहर का एक शो दिखाया जाता है जहाँ पर लूना भी मौजूद होती है, जो कि अब थोड़ी बहुत बूढ़ी भी दिखने लगी है, साथ में उसका बेटा भी होता है। दोस्तों यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों? आपको क्या लगता है रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, क्या ये रशिया सही कर रहा है यूक्रेन के संग? क्योंकि जंग तो खुद अपने आप में एक मसला है दोस्तों। जंग से मसले कैसे सॉल्व हो सकते हैं, आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।